आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कौन बनेगा करोड़पति हॉट सीट पर आगरा की बेटी ब्लाइंड हेमानी बुंदेला ने सदी के नायक अमिताभ बच्चन के सवालों का एक के बाद एक जवाब दिया। हिम्मत, हौसले और लगन की मिसाल हेमानी बुंदेला बनी। हेमानी बुंदेला ने आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है, जिसके चलते कौन बनेगा करोड़पति में वो करोड़पति बन गई। हमारे संवाददाता राकेश कनौजे ने हेमानी बुंदेला से बातचीत की, जिसमें हेमानी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आई। कौन बनेगा करोड़पति टीवी पर दिखाई देने वाला सबसे बड़ा शो, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि वो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे और जवाब देता चला जाए। तमाम सारे लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, तमाम ऐसे हैं केवल इतना चाहते हैं कि वो हॉट सीट तक पहुंच जाएं, केबीसी में उनका चयन हो जाए। आगरा की हेमानी बुंदेला ब्लाइंड है, लेकिन जिस तरीके से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर एक के बाद एक जवाब दिए, उसने आगरा के लोगों को, यूपी के लोगों को बेहद गौरवान्वित किया है। हमारे बीच में हेमानी बुंदेला मौजूद हैं। किस तरीके से आपने इसकी तैयारी, क्या सोच, कब से सोचा था कि केबीसी में आप जाएंगे? सर, ये सोच तो बेसिकली बहुत छोटी थी, मैं तभी से शुरू हो गई थी, बिकॉज मुझे रियलिटी शो बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो जब केबीसी आया तो उस दिन डिसाइड हुआ कि यस, अगर टीवी में जाना है, रियलिटी शो में जाना है, तो केबीसी एक ऐसा मंच है जहाँ पर मैं जाना पसंद करूँगी। तो उसी के बिहाफ पर मैं अपने फ्रेंड्स के संग बैठकर केबीसी खेला करती थी, और जिसमें खुद अमिताभ सर बनती थी। बट ये सिलसिला वहीं नहीं रुका, आगे आगे जैसे जैसे केबीसी के एपिसोड आते गए और मेरा इंटरेस्ट और भी डेवलप होता रहा कि यस, वन डे मुझे भी इस हॉट सीट पर बैठना है, मुझे भी इस हॉट सीट पर जाना है और एक बार अमिताभ सर से ज़रूर मिलना है। जब अमिताभ बच्चन बोलते हैं कौन बनेगा करोड़पति हॉट सीट पर मौजूद है हेमानी बुंदेला आगरा से, तब आपको कैसी फीलिंग हुई? सर, केवल अमिताभ सर के मुँह से सिर्फ हेमानी बुंदेला सुनकर ही मुझे लग रहा था मैंने गेम जीत चुका है। जब आप इसकी तैयारी में लगे थे तो आपको किस तरीके से कॉल आया था, उस समय क्या आपकी फीलिंग रही थी? यस, बेसिकली जब मैं केबीसी के लिए प्रिपेयर कर रही थी और जब इस बार मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कॉल आया, बिकॉज इससे पहले क्या होता था, केबीसी का एक प्रोसेस था जब हम उसके थ्रू करते थे तो मेरा मैसेज कभी आगे फॉरवर्ड ही नहीं होता था, मैसेज फेल ऐसे ही मैसेज आते थे। लेकिन जब से सोनी लिव ऐप आया ना, चीज़ें कंफर्म हुई, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड के मैसेज आने लगे। बट जब इस बार मुझे IBR कॉल आई तो स्टार्टिंग में तो मैंने कट कर दिया, फिर मैं अपना स्टडी कर रही थी, कॉल फिर आई दोबारा से, मैंने फिर कट कर दिया। मैंने कहा कंपनी वाले लगता है परेशान कर रहे हैं। जब थर्ड टाइम कॉल आया तो मैंने बहुत गुस्से में उठाया और ये सोचकर मैंने कहा देखा जाए क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना कॉल कर रहे हैं। और जब उसमें देखा कि केबीसी की कॉल है तो मैंने, यार मतलब अनएक्सपेक्टेड खुशी थी वो बहुत ज़्यादा। फिर भी लेकिन डाउट था, पापा ने कहा बेटा केबीसी के नेम से बहुत फ्रॉड होते हैं, तो मेरे माइंड में भी ऐसी कुछ आ गया, मैंने कहा हो सकता है फेक कॉल हो, स्पैम कॉल हो। लेकिन आगे आगे जो प्रोसेस हुआ उसमें कोई भी ऐसी पैसे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी गई, बैंक अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी गई, तो हम लोग श्योर हो गए कि इट मींस चीज़ें ऑथेंटिक हैं, रियल हैं। और फिर जब मुझे फाइनली बोला गया कि आप मुंबई आ रहे हैं मानी फास्टेस्ट बिंगो फर्स्ट के लिए, तो कन्फर्म था और खुशी का कोई ठिकाना नहीं, तो हम बता नहीं सकते हैं। जब 5 लोगों में चयन किया जाता तो उस समय आपकी मन में क्या दुविधा थी? नो सर, एक्चुअली कंटेस्टेंट 10 होते हैं वहाँ पे खेलने के लिए, उन 10 में से मैं आई थी। जब आप हॉट सीट पर पहुंची थी, पहला सवाल अमिताभ बच्चन का क्या रहा था? सर, वो सब जानने के लिए तो आपको मेरा शो देखना पड़ेगा, 30 अगस्त जन्माष्टमी वाले दिन सोनी टीवी पर रात 9 बजे कौन बनेगा करोड़पति। आपने आगरा ही नहीं समूचे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है, अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? परिवार के लोग बेहद खुश हैं और आगरा के लोग भी बेहद खुश नजर आए। बस सर, एक ही मैसेज बोलना चाहूँगी कि मतलब लाइफ में मुझे लग रहा है मुझे सब कुछ मिल गया, क्योंकि मेरी लाइफ का एक ही टारगेट था कि सबसे पहले मुझे अपनी फैमिली की खुशी का ध्यान रखना है। हमेशा से प्रायोरिटी पर रहता है कि मम्मी पापा की ऐसा काम किया जाए जिसमें मम्मी पापा खुश हों। तो आज वो पल मेरे सामने है, मेरे आगरा वालों को बहुत मुझ पर प्राउड है तो वो मेरे सामने है, हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन को मुझ पर प्राउड है, यूपी को हम पर प्राउड है, तो मुझे लग रहा है मुझे सब कुछ मिल चुका है, बहुत ज़्यादा एकदम खुश हूँ मैं।
पे कैरियर आप किस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, किस फील्ड में आप कैरियर बनाना चाहते हैं? बेसिकली मुझे अपना आगे जो वर्क करना है वो मुझे दिव्यांग सेक्शन के लिए करना है, और मेरा एक ड्रीम है कि एक दिन मैं जो डिपार्टमेंट होता है दिव्यांग लोगों से रिलेटेड, मैं उसकी हेड बनूँ। बिकॉज मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्लानिंग्स हैं अभी जो मैं इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, बट देखिए कब वो पूरी होती हैं। इतना पैसा आपको मिले तो करेंगे क्या आप इसका? सर पैसा कितना भी मिले ये मैटर नहीं करता, लेकिन मैंने जो टारगेट मैंने सेट किया है, मेरी कोशिश है मैं उनको फुलफिल ज़रूर कर पाऊँ। जैसे मैं दिव्यांग बच्चों के लिए एक इंक्लूसिव कोचिंग खोलना चाहती हूँ, जिसमें हर टाइप के डिफरेंटली एबल्ड बच्चे एक ही क्लास में एक ही छत के नीचे बैठकर पढ़ाई करेंगे एक संग, वो भी किस टाइप की, UPSC, स्टेट PCS, जिससे वो भी अपना करियर सिक्योर कर पाए, फ्यूचर सिक्योर कर पाए। हिमानी बुंदेला कौन बनेगा करोड़पति में, जिस तरीके से एक के बाद एक सवालों का जवाब दिया सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने, हॉट सीट पर बैठी थी हिमानी बुंदेला और सवाल पर सवाल अमिताभ बच्चन करते जा रहे थे। हिमानी बुंदेला चाहती हैं कि वे दिव्यांगजनों के लिए काम करें। जो कौन बनेगा करोड़पति से राशि मिलेगी उसका एक हिस्सा वो समाज की सेवा में, दिव्यांगजनों की सेवा में जरूर लगाएंगे। सभी को गर्व है हिमानी बुंदेला को, और सी न्यूज़ परिवार की तरफ से भी हम हिमानी बुंदेला और उनके परिवार को शुभकामनाएं देते हैं, और ईश्वर से कामना करते हैं कि जिस लक्ष्य के लिए वो आगे बढ़ रही हैं वो लक्ष्य पूरा हो। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।